इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। कहा है कि ये जो निशान लगाए गए हैं एविडेंटली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद लगाए हैं, इन्हीं के बेसिस पर वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज पर लॉ बहुत ही एक अहम भूमिका है जिसको उन्होंने वायलेट किया है और इसके बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ 340 के नीचे एक्शन इनिशिएट किया गया। देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। Man who doesn't have a mandate is a new mayor. He doesn't have a mandate. Let the election be held and let him have the mandate. But the court... Ma'am, give me a second. I heard, whatever yes, court yes, says please is go acceptable. Ahead. Yeah. I mean. But does he have a mandate? Today in the house, he doesn't have a mandate. Will you appreciate? The court should also ask him to seek a mandate in the house. और दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है, तो आज देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। We should see if the institutions like the Election Commission, if the authority and credibility is undermined, it does not argue well for our democracy. And I'm surprised how the elections in Chandigarh were conducted and it took the Supreme Court to intervene and set the record straight. I think it should be an example for future functioning of the EC.